कहानी तो ये इतने अच्छे एक्सपर्ट है कि ये कुछ ना कुछ अच्छा सिखाते रहते हैं और अभी अभी उन्होंने ये हम आपको मिलवा रहे हैं हमारे घर के जो जिसे कहते हैं कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं और इन्होंने जो है काफ़ी अच्छी समझदारी से पढ़ाई की हुई है। डिग्री वाला वो नहीं, इन्होंने अपनी रिसर्च और अपनी पढ़ाई जो करी है, जैसे अमेरिकन जर्नल्स हैं या आपके कैनेडियन जर्नल्स हैं या जर्मन जर्नल्स हैं ऑन हेल्थ और इस तरह के जो भी पहुंचे हुए लोग हैं हेल्थ में उस कंट्री में और हमारे इंडिया में, उनको सबको ये फॉलो करते हैं और काफ़ी अच्छी समझदारी इन्होंने रखी हुई है इसके बारे में। तो हम जब भी आते हैं इनसे मिलते हैं कहानी तो ये इतने अच्छे एक्सपर्ट है कि ये कुछ ना कुछ अच्छा सिखाते रहते हैं और अभी अभी उन्होंने सुनिए, आप सुनते क्या कहते हैं। जब भी आप घर से बाहर निकलो और आपको कहीं पे कुछ खाना हो, शादी हो या किसी के घर में, घर तो ठीक होता है, किसी के शादी में जाना हो या ओवरनाइट कहीं जाना हो, तो जिस दिन घर से निकलो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स टिल द टाइम यू कम बैक हैव अ गुड क्वालिटी प्रोबायोटिक एवरी मॉर्निंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक। वन कैप्सूल पर डे टिल यू कम बैक टू योर होम, देन यू कैन स्टॉप इट। इससे क्या होगा कि इन केस यू हैव समथिंग विच इज नॉट हाइजीनिक, या कभी ढाबे ढूबे में होता है या कभी बाहर इधर उधर खाया है किसी के, तो उससे जो आपके प्रॉब्लम्स होती हैं इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, उसको ये प्रिवेंट करता है और या कम करता है। ठीक है, तो प्रोबायोटिक्स होते हैं, उसका मतलब है प्रो मीन्स अच्छे बायोटिक्स, अच्छे बैक्टीरिया जो आपके इंटेस्टाइन्स में रहते हैं, जो खाने को कन्वर्ट करते हैं इनटू न्यूट्रिशियस, यू नो व्हाटएवर एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं। इंडिया में बहुत अच्छे प्रोबायोटिक्स अब मिलने लगे हैं और बहुत सारे ब्रांड्स हैं। सबसे सस्ता सस्ता ब्रांड इजीली अवेलेबल है उसको, उसका नाम है वाईबैक्ट डीएस। डीएस मींस डबल स्ट्रेंथ। कैन यू स्पेल इट आउट? VIBACT। या इसके अगर अगर ये नहीं मिलता है तो आप विजीलैक ले लीजिए, डर ये, लेकिन बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ना होने से बेटर है कि कुछ ले। और अब अच्छे मिलने लगे हैं वो महंगे। प्रोबायोटिक का पहचान क्या होगी? कम से कम उसमें 5 बिलियन बैक्टीरिया होने चाहिए अच्छा अच्छे प्रोबायोटिक। तो ये इसमें लिखा होता है? लिखा होता है। और कम से कम 5 या 6 स्ट्रेन्स होने चाहिए। हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे होते हैं लेकिन इसमें बेसिक 5 या 6 स्ट्रेन्स प्रोबायोटिक होने चाहिए और करीब 5 बिलियन से ज्यादा होने चाहिए। तो ये स्ट्रेन से क्या मतलब हुआ आपका? स्ट्रेन मतलब जैसे फैमिली, जैसे नीटू है या बेबी है, मैं हूँ, टिंकू, हम लोग एक ही फैमिली में है, लेकिन तुम्हारा काम कुछ और है, इनका काम कुछ और है। अच्छा, हमारा काम कुछ और है, हम रहते एक ही घर में है लेकिन सबकी जरूरत होती है, तुम कुछ और का, उनका डिफरेंट पर्पसेस होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, वो इम्यूनिटी को बढ़ाते, सबसे बड़ी बात तो ये होती है। और जो खराब बैक्टीरिया होते हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं, खराब ही चाहिए होते हैं, क्यों? जिससे इनका कॉम्पिटिशन बना रहे, ठीक है ना। तो जब हम बाहर का उल्टा सीधा खाते हैं उसमें कई हाइजीनिक नहीं होता है, उससे इन्फेक्शन हो जाता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे इंटेस्टाइन्स में होता है करीब 80%, उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, सारी बीमारी इंटेस्टाइन से शुरू होती है। जैसे जैसे आपने बताया कि विजी लैक है या कोई और लैक है, तो इनमें कुछ पावर भी होती होगी, तो हमको ऐसा है कुछ देखना है कुछ कितनी पावर की खानी है या नहीं खानी उसमें है? लिखा होता है हर प्रोबायोटिक के ऊपर लिखा होता है कि इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया हैं और इनकी कितनी स्ट्रेंथ है। ये जो सस्ते वाले जो होते हैं ये करीब होते हैं 1 बिलियन से कम होते हैं या 1 बिलियन होते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 बिलियन भी ठीक है ना। अच्छा प्रोबायोटिक कम से कम 5 बिलियन होना चाहिए। ये जो मैंने तुम्हें दिखाया अभी ये 20 बिलियन है ना। और क्या मैं कहना चाह रहा था, उस पर लिखा होता है कि उसमें कौन कौन से स्ट्रेन्स हैं। सस्ते वाले होते हैं उसमें 2 या 3 होते हैं, कुछ थोड़े महंगे होते हैं उसमें, इस जो मैंने तुमको दिखाया है इसमें 5 स्ट्रेन्स हैं। और जो अच्छे बहुत महंगे वाले मिलते हैं VSL3 जैसे, उसमें 10 स्ट्रेन्स होते हैं और उनकी पोटेंसी होती है 50 बिलियन, ठीक है।
तो अभी आपने हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से छोटी सी गाइडेंस ली है जो कि अबाउट इम्यूनिटी के ऊपर में है, अगर आप बाहर जाएं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उनमें एक छोटा सा क्लू उन्होंने आपको दिया, इस तरह के आगे और क्लू हम इनसे लेते रहेंगे और आपको हम जोड़ते रहेंगे। आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इस तरह के वीडियोज़ को देखते रहिए, उनमें हम जब भी हेल्थ का क्लू देंगे तो हम उसमें सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ हेल्थ का डालेंगे, जैसे मान लो हमने इसमें कुछ डालेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये रिलेटेड टू हेल्थ है, तो आप आगे से देखते रहिएगा।